पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। कई इलाके पूरी तरह से कट गए हैं, कई सड़कें और पुल बाढ़ में बह गए हैं। पाकिस्तान में तबाही मचा रही बाढ़। ड्रोन कैमरे से पाकिस्तान की खौफनाक तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है। कुदरत की तबाही, बेबस पाकिस्तान। आपदा की बाढ़ में 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है। जहां देखो वहां तबाही का मंजर। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुदरत की तबाही के सामने पाकिस्तान बेबस है। हस्ता हाल पाकिस्तान डूब रहा है। तीस साल बाद सबसे बड़ी तबाही। पाकिस्तान में बाढ़ से हड़कंप मचा हुआ है और जनता हाहाकार कर रही है। बीते 10 दिनों में यहां जो मूसलाधार बारिश हुई है, उसकी वजह से 30 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक यहां 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बाढ़ का असर पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। लोग अपना घर खो चुके हैं, कैंपों में शरण ले रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान की तबाही की खौफनाक तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। आर्मी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू हैं। पाकिस्तान के अलग अलग राज्य बुरी तरह से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लोगों के आशियाने पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कैंप में रहने को मजबूर हैं लोग। अलग अलग राज्य, चाहे पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शहरों में ऐसा लग रहा है जैसे शहर सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। जहां भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। हालात इतने बुरे हैं कि आर्मी को इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। 1100 लोगों की जान जा चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी तबाही का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आई आपदा की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में हालात किस कदर खराब है। लोग बेबस हैं, टेंट में नजर आ रहे हैं। अपना घर बार छोड़ करके उन्हें कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। दूसरी तस्वीर में ड्रोन कैमरे से देखा जा सकता है कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को जलमग्न कर दिया है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। तीसरी तस्वीर पाकिस्तान के बहरीन की, जहां बाढ़ का पानी बाजारों में घुस गया। तेज रफ्तार पानी ये सड़क पर बह रहा है। देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेज धारा हो नदी की, लेकिन ये नदी की धारा नहीं है, ये सड़क पर सैलाब की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से भयानक हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और उसकी वजह है सैलाब। ये बहरीन की तस्वीरें पानी की गड़गड़ाहट लोगों में खौफ पैदा कर रही हैं। मकान ध्वस्त हो रहे हैं। नदियां पूरी तरह से रिहायशी इलाकों में घुस चुकी हैं। खेत खलिहान सब डूब चुके हैं और रिहायशी इलाके भी अब पानी की चपेट में आ चुके हैं। ये एक बाजार है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बहरीन का ये इलाका, जहां तक नजर जाती है पानी की तेज और खौफनाक धारा नजर आती है। पाकिस्तान बुरी तरह तबाह हुआ है और माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बाढ़ से निपटने के बाद सामान्य स्थिति लाने में कई सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने पाकिस्तान की मदद भी की है। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से भयानक बाढ़ आई हुई है। इसके बाद एक तिहाई पाकिस्तान डूब चुका है। तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी की का ही साम्राज्य नजर आता है। रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। खेत खलिहान पूरी तरह डूबे हुए हैं। सड़कें नजर तक नहीं आ रही हैं। ये पाकिस्तान में बर्बादी का आलम। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर रिहायशी इलाकों में घुस चुकी हैं। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आर्मी रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और
देखा जा सकता है किस तरह से सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन की जल्द बहाली की उम्मीद की है। 24 घंटे से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट वायरल है। 24 घंटे से कई पाकिस्तानी चैनलों में मोदी की खबर चल रही है। 29 अगस्त को पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए दुख जताते हुए एक ट्वीट किया था। बाढ़ में डूबे पाकिस्तान को अब पीएम मोदी के ट्वीट में मदद का भरोसा दिख रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन की जल्द बहाली की उम्मीद की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देख कर दुख हुआ है। सैलाब में जान बहक होने वालों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। सैलाब में जख्मी होने वालों और दीगर मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार हमदर्दी किया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियां देखकर बहुत दुख हुआ। हम जानी नुकसान पर मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। जख्मियों और कुदरती आफत से मुतासरा लोगों से इजहार हमदर्दी भी करते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को मोदी के ट्वीट की टाइमिंग देखकर खुद पर यकीन नहीं हो रहा। दो दिन पहले शहबाज शरीफ के मिनिस्टर ने खुद ही हिंदुस्तान से हेल्प की रिक्वेस्ट की थी। पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर भारत से खाने पीने का सामान मंगवाने का ऐलान किया। कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है और हम उनमें से नहीं है जो डिनाई करें। मैं समझता हूं कि बहुत महंगाई है और मैं सचमुच बड़ा शर्मिंदा हूं मेरी कौम के सामने कि अभी तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके। और फिर ऊपर से जो ये फ्लड्स की वजह से महंगाई हुई है, आपने को मैं ये बताने लगा हूं कि 50 रुपए का अनियन जो था वो दो दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया, टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिन्दुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। कल रात से ये काम शुरू हो गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी हो गया है और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हम ये सबरी अप्रूव कर देंगे और दीगर ममालिक से जो है वो सब्जी वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बयान का मतलब क्लियर है। अगर हिंदुस्तान ने जल्द मदद नहीं की तो पाकिस्तान के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हंगरी पाकिस्तान ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से जो है पाकिस्तान में सैलाब पर नुकसानात पर हमदर्दी का इजहार किया गया, ये एक बहुत ग्रेट जेस्चर है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और मेरा ख्याल है करेंगे। मेरे ख्याल आप पैगाम की बात करते हैं, मैं एक्सपेक्टिंग एड फ्रॉम देम। बिल्कुल सही है, ये मुश्किल वक्त है और जहां पे हम दुनिया के हर मुल्क से अगर सपोर्ट ले रहे हैं और अगर भारत भी करना चाहे तो जरूर, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, ह्यूमैनिटी का मसला है। यहाँ पे अनाह और वो उन चीजों को साइड पे रख देना चाहिए। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। शहबाज सरकार हालात को काबू नहीं कर पा रही, इसीलिए मिनिस्टर से लेकर पब्लिक तक मोदी का नाम ले रही है। हमारे जो पड़ोसी हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट करके ये कहा कि भाई हम अफसोस करते हैं पाकिस्तान के जो उनसे हालात खराब हुए हैं, इससे हम दिलाजारी करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी ही जल्द से जल्द अपने इस मतलब के जो उनसे इन हालात से बाहर आ जाएगा। क्या समझते हैं आपके एक पड़ोसी होने के बाद हम समझते हैं कि दुश्मन है, वो इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं हमारे लिए। अगर वो पाकिस्तान ने इमदाद भी मांगी इंडिया से, क्या हमें मांगनी चाहिए थी और क्या इंडिया हेल्प करेगा हमारी? मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया तो इट्स अ गुड जेस्चर। पाकिस्तान से आ रहे बयानों का एक ही मतलब है, पाकिस्तान को यकीन है कि अब हिंदुस्तान ही उसे बचा सकता है, मोदी ही पाकिस्तान को मुसीबत से निकाल सकते हैं। इसीलिए इस्लामाबाद में मोदी और हिंदुस्तान का जिक्र हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद से कुछ दवाएं भी हम भारत से मंगवा रहे हैं, जो एसेंशियल दवाइयां हैं वो भी आ रही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी 2005 में भी हमारे यहाँ एक अर्थक्वेक आया, फिर
2010 से भी सैलाब आया और फिर भारत के साथ क्या हमें मामलात ऐसे हो गए कि हम तिजारत ही बंद कर दें, और ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका हमने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान 48 घंटों से हेल्प के लिए इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान से मदद लेने का बयान देकर शहबाज सरकार ने खुद ही सरेंडर का ऐलान किया। जब पाकिस्तान में इस पर सवाल उठे तो शहबाज के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने तुरंत पलटी मार दी।